हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरकेएस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक फोन है जो कि MI Y2, और इस फोन का जो प्रॉब्लम है, इसका माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, इसका माइक्रोफोन सिर्फ काम ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसका जो माइक्रोफोन का टोटल ट्रैक है वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, ये जो माइक्रोफोन यहाँ पे जो ट्रैक यहाँ पे रिमूव हो गया, इसका कारण क्या है? देखिए, ये जो फोन है वो गिर गया था, जिसके वजह से इसका माइक्रोफोन का जो टोटल ट्रैक है यहाँ पे उठ गया, और मैंने इसका जो कॉम्बो है उसको अभी चेंज किया। तो फ्रेंड, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है इसका माइक्रोफोन का एरिया, लेकिन इसका जो माइक्रोफोन का मेन ट्रैक है यहाँ पे रिमूव हो गया। ये देखिए, बीच में एक होल्ड है और इसका जो साइड है ग्राउंड है, लेकिन मेन जो इसका कनेक्शन है यानी कि ट्रैक यहाँ से रिमूव हो गया। अभी फिर मैं आपको इसका जो माइक्रोफोन है उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इसका माइक्रोफोन है, बिल्कुल नैनो माइक्रोफोन। और ये जो माइक्रोफोन है यहाँ पे, ये माइक्रोफोन भी खराब हो चुका है, लेकिन अभी मेरे पास देखिए ये माइक्रोफोन नहीं है। तो फ्रेंड, अभी मैं क्या करूंगा, देखिए जो यूनिवर्सल माइक्रोफोन है यानी कि वायर माइक्रोफोन, अभी मैं इसको यहाँ पे फिटिंग करूंगा। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास ऐसा माइक्रोफोन नहीं है, आप अगर यूनिवर्सल माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं, तो आप देखिए ये जो सैमसंग का माइक्रोफोन है, आप सैमसंग का माइक्रोफोन यूज कीजिए, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और आपका साउंड भी बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड, चलिए मैं इस माइक्रोफोन को यहाँ पे फिटिंग कर देता हूँ। फ्रेंड, मैंने इसमें वायर लगा दिया। अभी देखिए करना क्या है, जब आप यूनिवर्सल माइक्रोफोन को यूज करते हो तो देखिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जरूरत है, जिसका आपका वैल्यू होना चाहिए 3 से लेकर 10 किलो ओम्स का। तो आप कोई भी एक रेजिस्टेंस इसमें यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सप्लाई है, ये आपका ऊपर यहाँ पे इस कैपेसिटर पे इसका सप्लाई आता है। तो फ्रेंड, हमको अभी ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो लगाना कहाँ है, देखिए एक साइड यहाँ पे ग्राउंड कर देना है और दूसरे साइड को, ये देखिए ये जो कैपेसिटर है इसमें हमको एक साइड को जम्पर करना है। तो फ्रेंड, मैं जम्पर करके इसको फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ।
ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे एक साइड को जम्पर कर दिया। अभी देखिए ये जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन को हमको रेजिस्टेंस से लेके, ये देखिए ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे हमको जम्पर करना है। तो मैं जम्पर करके इसके बारे में डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने रेजिस्टेंस को एक साइड ग्राउंड किया और दूसरे साइड को इस कैपेसिटर से लगा दिया, और ये जो जम्पर वायर है माइक्रोफोन का इसमें लगा दिया, और दूसरे को इसके बाजू में जो कैपेसिटर है यहाँ पे लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी इसको चेक करके देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड अभी इसको फिटिंग करके देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है एक्चुअली सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड अभी मैं इसको लाउड में दे रहा हूँ। फ्रेंड इस तरीके से आप अपना कोई भी फोन आए, आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।